महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर होने वाली पंचक्रोशी यात्रा के मद्देनजर व्यवस्थाओं का पुलिस कमिश्नर व डीएम ने जायजा लिया। महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर हजारों श्रद्धालुओं की पंचक्रोशी यात्रा की व्यवस्था का जायजा लेने डीएमएस राजलिंगम और पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन माथतों के साथ मणिकर्णिका घाट पहुंचे। गौरतलब है कि महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पंचक्रोशी यात्रा करते हैं। इस यात्रा की शुरुआत मणिकर्णिका घाट से होती है। 17 फरवरी की शाम को ये पंचक्रोशी यात्रा मणिकर्णिका घाट स्थित चक्र पुष्करणी कुंड और गंगा स्नान के साथ होगी। इसी तैयारी के लिए डीएम व पुलिस कमिश्नर चक्र पुष्करणी कुंड पहुंचे, घाट पर जुटने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ की व्यवस्था की जानकारी ली। इसके साथ ही पंचक्रोशी मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए की गई विभागीय तैयारियों की जानकारी ली। अधिकारियों ने कुंड के पुरोहित बब्बू महाराज से जानकारी ली। अधीनस्थों को निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं को यात्रा मार्ग में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान उच्च अधिकारियों के साथ दशाश्वमेध क्षेत्राधिकारी अवधेश कुमार पांडे और अन्य अधिकारी शामिल रहे। ये अभी जो निरीक्षण हो रहा है, ये पंचकोशी अंतर्गृह यात्रा जो शिवरात्रि में होगी उसकी तैयारी कर रही है, उसी का अवलोकन करने के लिए शासन प्रशासन लोग आए हुए हैं यहाँ पे। ये यात्रा गुरुजी कहाँ से होती है? ये मणिकर्णिका से शुरू होती है, मणिकर्णिका पे खत्म होती है। मणिकर्णिका से शुरू होती है कंदवा, भीमचंडी, रामेश्वर, कपिलधारा, शिवपुर होते हुए फिर पुनः यहाँ पे आके उसकी पूर्णावती होती है। कहाँ पे स्नान होता है? ये मणिकर्णिका घाट पे होता है। एक्चुअली ये मणिकर्णिका कुंड में ही स्नान करके यहाँ से संकल्प लेके इन लोग जाते हैं, फिर यहाँ पे फिर अल्लाह के संकल्प छोड़ते हैं। करीब 1.5 से 2 लाख की भीड़ हो जाती है। क्या तैयारी है? तैयारी यही है कि अभी तक तो हर साल की तरह मिट्टी का जो ढेरा था उसको सफाई कराया गया है। उसके बाद फिर लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था कराएंगे कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रशासनिक कार्रवाई हो ही रही है, आप लोग देख ही रहे हैं। इन लोग का भी सहयोग पूरा है, इन्हीं लोग के कारण हम लोग भी यहाँ पे खड़े हैं। इनकी तरफ से सहयोग यही रहेगा कि इनका पूरा फोर्स लगा रहेगा। कुंड के अंदर मेरे आदमी रहेंगे, अब मेरे लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था रहेगी, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो।